हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका और जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको जो घंटीनुमा पोर्शन है वो आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। तो दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई नोटिफिकेशन आने के बाद क्या आप देखना ही है करके, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पे ऊपर से ऊपर प्रमोट कर सके यूट्यूब, और जिस वजह से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो। तो दोस्तों, आज मैं इसी कड़ी में मैं आपको रिजल्ट बताने जा रहा हूँ कस्टर्ड एप्पल का, जिसे सीताफल कहते हैं। तो दोस्तों, जनरली सीताफल यहाँ पौधा एक ऐसा पौधा है जो यानी जिसे जानवर नहीं खाते, और यह बैरन लैंड पे लगाने के लिए, बाग लगाने के लिए बहुत ही सूटेबल है। आप अपने कंपाउंड में या तो रोड पे भी अगर से सीताफल के पेड़ लगाते हैं तो इसे जानवर नहीं खाते, एक खासियत है। यह मेडिसिनल प्लांट करके भी इस्तेमाल किया जाता है। जनरली आप अगर सीताफल के पत्तों का जूस निकालते काढ़ा या उबाल कर या सड़ा कर, समझो 8-10 दिन 15 दिन टंकी में सड़ा कर, अगर से बकेट में सड़ा कर उसे ढक कर अगर इसका पत्ता का जूस निकालते काढ़ा, और उसका स्प्रे अगर से मावा वगैरह लग गई, तुड़तुड़ा लग गया, तो इनका अगर से आपको इसका स्प्रे करते हैं सदा सावली के पत्ते के साथ में, जैसे सदा सावली हो गया आपका, ऐसे कुछ मेडिसिन नीम का पत्ता हो गया, इनके साथ में मिक्स करके आप प्योरली अगर से यहाँ स्प्रे करते हैं, तो यहाँ ऑर्गेनिक खेती में भी यहाँ सीताफल का यानी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जनरली सीताफल की अपने को वेराइटीज़ मालूम नहीं है। जनरली हम सीताफल खाने के बाद बीज लगा देते हैं, उससे हमें सीताफल 3 से 4 साल में प्राप्त हो जाता है, यानी फलना लग जाता है। 3 साल के बाद में आपको इस पर फ्रूटिंग लग जाती है, 3 से 4 साल में सीताफल के पौधे को। इसको ज़्यादा मेहनत नहीं है, डिजीज नहीं है, सिर्फ इस पर सीताफल के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के वक्त एक वाइट बग जो है, जिसे माऊ कहते हैं, वहाँ कीड़ा लगता है जो सफ़ेद कलर का होता है सीताफल पे जो होता है, और उसे डंठल पे भी लगता है जो जूस शक करता है, खींचता है, उसके वजह से सीताफल की क्वालिटी डिग्रेड होती है, ख़राब होती है। तो उसके ऊपर एक ही उपाय है, उस पर आप एक तो निकाल दीजिए, या तो फिर उस पर आपको जो आपका जो पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर का घोल बनाकर उसका स्प्रे कीजिएगा, उससे वहीं एक उपाय है, उससे मरता है वाइट बग, ख्याल में रखिएगा, ये वाइट बग एक इस पर अटैक करता है। तो दोस्तों, आज हम इसका वीडियो, मैंने ग्राफ्टिंग का वीडियो, सॉफ्ट रूट ग्राफ्टिंग, वी ग्राफ्टिंग और बार्क ग्राफ्टिंग भी इसमें की जाती है, तो मैंने यहाँ ग्राफ्टिंग 1 अप्रैल को लगभग की थी, तो आज हम उसका रिजल्ट देखने जा रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, तो इसकी वेराइटीज पहले बताना चाहूँगा सीताफल के पेड़ की। सीताफल के पेड़ की वेराइटीज जो है, यहाँ अर्का सहानी है, रानी गोल्ड है, सरस्वती सेवन है, और बहुत सारे ऐसी वेराइटीज़ हैं जिनके नाम मुझे भी पूरी तरीके से मालूम नहीं, पर आज हम और एक वेराइटी बताना चाहूँगा। सोलापुर की एक वेराइटी है जिसे फिंगर टिप या फिंगर प्रिंट उसका नाम है। तो इस प्रकार बहुत सारी वेराइटीज़ है, तो इनके इन वेराइटीज़ का, ये जो हाइब्रिड वेराइटीज है, इनकी खासियत क्या है? यह लगभग 0.5 किलो से 1 किलो तक होता है। सरस्वती सेवन की ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, सरस्वती सेवन की विशेषता भी बता चुका हूँ कि 0.5 किलो से 1 किलो बड़ा पत्ता होता है, और बाकी वेराइटीज़ जो है उनके पत्ते देसी सीताफल के जैसे होते हैं। तो आज मैं आपको इसका रिजल्ट बताना चाहूँगा। तो इसका स्प्राउटिंग जो है, सिलेक्शन ऑफ सायन वगैरह मेरे दूसरे वीडियोज में ऑलरेडी डले हुए, मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको वहाँ वीडियोज आपको मिल जाएंगे, सिलेक्शन ऑफ सायन यानी लकड़ियाँ कैसे चुनना सीताफल की, किस कलर की होनी, किस महीने में की जाती। फिर भी आपको इस वीडियो में मैं मंथ रिपीट करना चाहूँगा कि जनरली फरवरी के पहले सप्ताह से लेके इसका अपना ग्राफ्टिंग करना शुरू हो जाता है सीताफल का, और इसे आपको ग्राफ्टिंग पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह बहुत बेस्ट रिजल्ट है। लेकिन अब इसके लिए बताना चाहूँगा कि अगर से आपके बैरन लैंड पे पेड़ है, धूरे धारों पे, समझो खेतों में, तो वहाँ अगर से आपको सक्सेस करना है तो सक्सेस रेट 100% नहीं होगा। उसका कारण बताना चाहूँगा, जिस पौधे पे आप ग्राफ्टिंग करते हो उस पौधे के तने में कम से कम हर दिन आपको पानी डालना है, या 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन के बाद में तने में पानी डालना है, ताकि रूट को पानी मिले और वहाँ आपके कलम को पानी सप्लाई करे। अन्यथा बाहर में जो लगा है, हॉट सन के कारण आपकी कलमें फेलियर होने के 90% चांसेस है, क्योंकि यहाँ मैं प्रैक्टिकल
एक्सपीरियंस है मेरा, ये आंसू का मेरा, तो मैं देख चुका हूँ जिन पेड़ों को पानी मैंने नहीं डाला उनकी जो कलमें हैं वह लगभग सूख गई है। तो इसमें दो केयर लेने की है आपको, पेड़ के तने में हर दिन पानी डालना है, या तो तीन तीन चार चार दिन में दो दो चार चार बकेट, या तो जो बाग में जो लगाते हैं उनका वो जो टिपक सिंचन का पानी है पाइप के द्वारा जाते रहता है, इसलिए वहाँ पर जो बाग में सिंपल सीताफल के पेड़ों पर पे जब कलमें की जाती है फरवरी माह में एक दो साल के पेड़ों पर, तो वहाँ लगभग 70-80% आपका सक्सेस रेट मिलता है। परंतु यहाँ देखिएगा, अब आपको बताना चाहूँगा मैं, तो दोस्तों देखिएगा अभी यहाँ यहाँ स्प्राउटिंग होना शुरू हो गया है, देखिएगा तो आपको 60 से या 50 से 60 दिन के बाद में स्प्राउटिंग प्रॉपरली शुरू होना शुरू हो जाता है। यहाँ स्प्राउटिंग दिखेगा, यहाँ स्प्राउटिंग दिखेगा, और मेरे पुराने वीडियो में आप देख लीजिएगा, तो यहाँ जो लकड़ी है देखिएगा इस प्रकार कलर की लकड़ियों पे आप कलम कर सकते हैं। यहाँ मैंने इतनी मोटी लकड़ी है तो मैंने एक साइड में किए 20% 10% आपको हार्डवुड और छाल पकड़ के चीरा मारने की है। किस प्रकार किया है मैंने वो ऑलरेडी मेरा वीडियो है वो देख लीजिएगा, मैं सिर्फ आज सक्सेस स्टोरी और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ये यहाँ पेड़ पे मैंने यहाँ बांधा हूँ, मैंने यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, अब इसके जो यहाँ लकड़ी की जो पॉलीथिन कब छोड़ने का, तो आम के कलम के लिए 90 दिन के बाद में मैंने बताया था, तो 20-25 पत्ते फूटने के बाद, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको जब यहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो जाएगी एक एक दो दो फीट की, उसके बाद में ही इसे छोड़ने का, दो फीट ब्रांचिंग होने के बाद, या तो लगभग 3 से 4 माह बाद में, 4 माह बाद में इसे खोलने का है ये पॉलीथीन को, एक ख्याल में रखिएगा। और अब इसका केयर किस तरह, अब यहाँ जो सक्सेस हो गया है दोस्तों, इतना सक्सेस हो गया पोर्शन, अब यहाँ पर फेल हो गई है, ये फेल हो गई है तीन लकड़ी, नहीं यहाँ गिली है अभी, यहाँ गिली है देखिएगा, इसके बार्क आप कैसे पहचानने का, तो बार्क श्रिंकेज नहीं हुई है देखिएगा, एकदम जैसे हमने किए थे वैसी तरोताजगी इसमें बनी हुई है अभी, तो ये फेंक सकती है। और यहाँ इतना बड़ा पेड़ है अपना देसी देसी, इसका देखिए जिसपे मैंने किया, इतना मोटा लगभग 10 से 15 साल 10 साल पुराना है, इसको फल वगैरह बहुत लगते हैं, लेकिन मुझे अभी देसी ही रखने का नहीं है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, अभी ये सक्सेस हो गई है लकड़ी, ये लकड़ी सक्सेस हो गई है लकड़ी, इसी लकड़ी को रखूंगा, इस लकड़ी का अगर स्प्राउटिंग होता है तो इसको रखूंगा, अन्यथा इसका स्प्राउटिंग नहीं निकलेगा तो इसे यहां से कट कर दूंगा। तो देखिएगा मैं अब इस पेड़ को यहां से, इस लकड़ी के ऊपर से यहां से कट कर दूंगा, यहां से आरी से कट कर दूंगा। क्यों, सिर्फ आपको जो कलम की है उसी को पूरा फूड मटेरियल जाना चाहिए, इसलिए मैं बाकी ब्रांचेस को कट कर दूंगा। तो दोस्तों देखिएगा ये एक देसी पेड़ था जिसकी पत्तियां आपको समझ में आ जाएंगी कि छोटी पत्तियां है देसी इसकी, ये ब्रांचेस देखिएगा इसकी, ये ब्रांचेस, अब आपको लगेगा कि मैंने इन्हें तोड़ा क्यों नहीं, तो अभी मैंने फिलहाल में इसे तोड़ा नहीं है, क्योंकि ये दो पेड़ है यहाँ पर, एक पेड़ में दो ब्रांचेस है इतने मोटे मोटे, हाथ जैसी मोटी, इस पर मैंने लास्ट ईयर एक बार एक पेंसिल साइज के ब्रांच पे की थी देखिएगा, और उसका जॉइंट बताना चाहूँगा, यहाँ जॉइंट है देखिएगा, वी जॉइंट है, ऑलरेडी इसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ, यहाँ यहाँ से है, पेंसिल जैसा जाड़ा था, एक साल में हाथ जैसी मोटा हो गया। अब आपको लगेगा हाथ जैसी मोटा एक साल में कैसे हुआ, छोटे पेड़ कैसे, तो वो डिपेंड करता है आपके फूड मटेरियल सप्लाई का। ऑलरेडी ये पेड़ कम से कम 5 साल पुराना पेड़ था, इसकी एक पेंसिल नुमा ब्रांच थी, इसीलिए वो ब्रांच इतनी मोटी हो गई कि मैंने सक्सेस होने के बाद में बाकी की ब्रांच इस पेड़ की तोड़ दी मैंने, यहाँ से यहाँ तक कोई भी ब्रांच को मैंने बढ़ने नहीं दिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि पूरा फूड मटेरियल इस ब्रांच का यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ से वो पेंसिल नुमा मोटाई हाथ जैसे मोटी होगी। और ये ब्रांचेस देखिए सरस्वती सेवन का है, इसकी पत्तियाँ देखिए रामफल जैसी बड़ी है, आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पत्तियाँ देखिएगा ये रामफल जैसी बड़ी है, पत्तियाँ पत्तियों के आकार पे से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये रामफल जैसी बड़ी पत्तियाँ हैं। तो यहाँ सरस्वती सेवन जो आधा से 1 किलो होता है, और इसे आंसो मोहर आना शुरू हो गया, आंसो एग्जैक्टली 1 साल हो जाएगा अप्रैल में। तो दोस्तों देखिएगा फिर इसी के दो ब्रांच में हमने दो कलमे फिर किए, देखिएगा यहाँ यहाँ कलमे हैं, दो कलमे हमने किए हैं यहाँ पर देखिएगा, वही सोलापुर की वेराइटी की, इसी कलमों पर, यानी सरस्वती सेवन के दो ब्रांच पे, जो कि ब्रांचेस सूटेबल थी, और हमने बोला कि चलो इसकी वैरायटी जिंदी रहना चाहिए। तो दोस्तों देखो इस प्लांट को कंटिन्यू नल का पानी जा रहा है, इसलिए यहाँ फेल नहीं हुई है, लेकिन आपको बताऊंगा कि बाकी प्लांट मेरे घर में सीताफल के उन पे किया मैंने, तो इन कलमों के कैसी जिंदा रखने का, तो इन कलमों पे भी आपको स्प्रे करना है हर दिन, और
पौधे में भी पानी डालना है, तो इस प्रकार दो प्रकार की मेहनत करना है। हर दिन पॉलीथिन कैप निकाल के इस पर स्प्रे करना है हल्का, ताकि ये गिली रहे, गिली रहे। और आपके पास अगर पॉकेटिंग प्लांट है तो आप शेड में रखिएगा, पेड़ के नीचे रखिएगा और पौधे को स्प्रे करते जाइएगा दो टाइम, तो इतनी मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन अगर से जमीन में प्लांट है उसके लिए मैं ये बता चुका हूँ कि किस प्रकार की उपाय योजना आपको करने की है सक्सेस के लिए। तो दोस्तों